अभी अपन निकल रहे हैं भाई अहमदाबाद घूमने के लिए। तो ये अपना क्लॉक रूम है जहाँ पे अपने सब कुछ जमा करवा दिया, अपना बैग जो था वो मैंने जमा करवा दिया, और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई मैंने ये रुमाल बांध लिया है। फर्स्ट हमें जाना है कांकरिया लेक, देन स्मार्ट साइंस सिटी या स्मार्ट सिटी वो जो भी बोलो, देन रिवर फ्रंट है, देन लाल दरवाज़ा है। चार जगह है अहमदाबाद में जो मैं आज घूमने वाला हूँ। चलो चलते हैं, पहले ऑटो ले लेते हैं। ना ये भाई हैं हमारे जो हमें लेके जा रहे हैं भाई कांकरिया लेक। तो यही है अपनी सवारी आज की, अपन यहाँ से निकल रहे हैं अब भाई। काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद मुझे ये मिला, कोई 150 मांग रहा था, कोई 100-200 मांग रहा था, फाइनली भाई हमें मिले जिन्होंने हमसे 50 रुपये लिए कांकरिया लेक तक छोड़ने के। तब जा रहे हैं भाई कांकरिया लेक, देखिए ज़रा अहमदाबाद की कांकरिया लेक कैसी है। तो निकलते घूमते फिरते थोड़ा मज़ा लेते हैं अहमदाबाद का। तो देखो भाई कितना ज़्यादा रश हो चुका है भाई, इतना ज़्यादा रश है ना यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। अरे भाई आए, पहुँच चुके हैं कांकरिया लेक के पास। तो ये उसका फ्रंट दरवाज़ा है, ऐसा कुछ दरवाज़ा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आओगे तो आपको 5 रुपये चिल्ड्रेन और 10 रुपये एडल्ट का टिकट है। तो अभी मैं टिकट लेने वाला हूँ 10 रुपये। तो ये भैया जिनसे हमने टिकट लिया है, तो भैया हेलो कर दो एक बार जम्मू कश्मीर को। तो अभी हम जा रहे हैं भाई, ये टिकट ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको 10 रुपये में। तो अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा अपन आ चुके हैं भाई अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है, इसलिए तो मैंने रुमाल ऊपर कर लिया, बट मेरा जो ये हेड है फोरहेड है ये काफ़ी ज़्यादा टैन हो चुका है। मैंने सोचा कि मुंह भी ना हो जाए, लास्ट टाइम जब मैं घूमने के लिए गया हुआ था उत्तराखंड तो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा टैन हो गया था। बोल रहा हूँ लेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये देख सकते हो इतनी बड़ी लेक है। इसका नज़ारा अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा। ये देखो काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है आई लव कांकरिया लेक। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, अगर आप बीच में जाना चाहो तो आप बीच में भी जा सकते हो। ये बोट है यहाँ पे, कितना प्राइस है भैया इसका? 240 प्राइस है अगर आप ऐसी बोट में जाना चाहो। पूरी लेक का आपको ये पूरा टूर करवाएंगे। तो चलो मैं आपको लेक का टूर, मैं बीच में नहीं जाऊँगा बोट में, क्योंकि मेरे आगे बहुत लंबा सफ़र करके आया हूँ ट्रेन से अभी, तो थोड़ी देर में ट्रेन भी है, तो देखते हैं आगे। चलो आप, अब अपन जा रहे हैं थोड़ा बहुत ऐसे लेक के किनारे किनारे चल रहे हैं। ये देखो लेक का नज़ारा। तो अब मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे कहा वहाँ पे जाके थोड़ा एंजॉय भी एंजॉय कर सकते हो। गेट नंबर 7 है, तो मज़े से आ सकते हो भाई। मैंने यहाँ पे आने के लिए दिए 50 रुपीज़, थोड़ी बहुत ही मेरी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं। पहले 150 बोल रहे थे, मैं 150 से उनको 50 रुपये पे ले आया, तो ठीक है भाई 50 रुपये। वैसे मेरे को आंटी बोल रही थी 20 रुपये किराया है, बट जब कोई बाहर से आता है तो ये ज़्यादा ही मांगते हैं, बट आप कोशिश करना ये 50 रुपये भी मान जाते हैं भाई। ज़्यादा देने की नहीं, अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के टोटल 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर से आप कोई भी अच्छा सा मतलब घूम सकते हो यहाँ पे। 4 किलोमीटर अच्छा पार्क है देख लो, पर एरिया काफ़ी बड़ा कवर करती है। मेरे को लगता है पूरा दिन यहीं पर ऐसे ही निकल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ आप ऐसे जा सकते हो पूरा का पूरा। तो मैं यहाँ से निकल रहा था तो कांकरिया लेक में आपको एक ऐसा कलर का ऐसा ज़ू भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको चीता सब कुछ वगैरह और भी जानवर है वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो, मेरे को तो वेस्टेज ऑफ टाइम लगा तो मैं तो नहीं जाने वाला यहाँ पे। अगर आप चाहो तो जा सकते हो, ये मतलब आप गेट से जस्ट एंटर करोगे अंदर तो इस तरफ आओगे राइट साइड पे, तो ये आपको ऐसा कलर का एक ऐसे मतलब कलर के क्या बोल रहा हूँ ऐसा करके चिड़ियाघर देखने को मिल जाएगा सामने सामने। तो आप जाना चाहो तो जा सकते हो, तो मैं तो नहीं जा रहा बट आप जाना चाहो तो जा सकते हो। पास जैसे आप बाहर निकलोगे तो वैसे ही आपको एक ना चिल्ड्रंस पार्क भी दिख जाएगा ऐसे, जहाँ पे बच्चे जाके थोड़ी बहुत ही गेम्स खेल सकते हैं, झूले वगैरह ले सकते हैं। सिर्फ बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। तो बड़ों के लिए खाली बोट ही है, वो भी आप ऐसे आपका मन हो जाना चाहो नहीं जाना चाहो, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप जाना चाहो या नहीं जाना चाहो। और यहाँ पे धूप तो हद से ज़्यादा है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी है बता नहीं सकता। तो अभी मेरा मेन वही फोकस है जहाँ पर मेरे को जाना है, मैंने आपको दिखाया था वो वाली जगह, आपको अंदर को आ रहा था, मैंने आपको दिखाया था ना कि वहाँ पे ज़ू वगैरह चिल्ड्रंस पार्क। वैसे यहाँ पे आपको एक बटरफ्लाई पार्क देखने को मिलेगा जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, अच्छा सा पार्क है। 10 रुपये यहाँ पे एंट्री है, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो आपकी मर्ज़ी है, पर काफ़ी अच्छा पार्क दिखेगा आपको यहाँ पर, ऐसी आपको एंट्री दिख जाएगी ये बटरफ्लाई पार्क की। तो यहाँ से अब हम और आगे जा रहे हैं और आगे आपको दिखाते जाते हैं इस कांकरिया लेक का नज़ारा। जहाँ जहाँ जितनी जितनी आगे आगे जाते जा रहा हूँ वैसे ही कुछ ना कुछ दिखते जा रहा है। लेक इतनी बड़ी है भाई, मेरे को लगता है यहाँ से मेरे को 3 से 4 घंटे लग जाएंगे निकलने में। जहाँ पे पहुँच के जहाँ पे हमें जाना था तो वहाँ पे था मैं थोड़ी देर पहले, जहाँ पे वो बोट लगी हुई है शायद आपको दिख नहीं रही होगी। तो यही वो जगह है जहाँ पे अभी हमें अंदर जाना है, मेन यहाँ का आकर्षण केंद्र जिसे आप बोल सकते हो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह है और काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर,
जहाँ पे आप बैठ के अपनी फैमिली के साथ खा सकते हैं। मुझे तो यहाँ पर ज़्यादातर कपल्स ही दिखे हैं। अभी अपने अपने लिए अपन लगा रहे हैं सॉफ्टी, तो भैया हमारे लिए सॉफ्टी लगा रहे हैं। तो भैया करोगे शुरू? ये मेरी सॉफ्टी आ चुकी है कप में, तो मशीन से जैसे आपको पता है नॉर्मली निकलती है। तो ये एक्स्ट्रा, ये हमारी सॉफ्टी एक्स्ट्रा निकाल दी है हमारे लिए। और उसके ऊपर भैया कौन सा फ्लेवर है? ब्लैक करंट। ब्लैक करंट फ्लेवर है जो मेरे लिए डाला जा रहा है। मैं पहली बार खा रहा हूँ, मैंने कभी ऐसे खाया नहीं है, तो अभी भैया टेस्ट करवाएंगे जैसा भी है। तो ये हमारी आ चुकी है सॉफ्टी, तो इसको टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये कांकरिया लेक में आपको ऐसी सॉफ्टी मिल जाएगी अगर आप खाना चाहो, अगर आपको सॉफ्टी खाना पसंद, मुझे खाना पसंद है तो मैंने आपको दिखा दी। अगर सॉफ्टी खाने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को पता चला एक ज़ू है, तो ज़ू के अंदर शेर वगैरह टाइगर वगैरह सब रखे हुए हैं। अभी मैं कांकरिया लेक के अंदर ही हूँ भाई, मेरे को 3 घंटे हो चुके हैं कांकरिया लेक के अंदर ही, बट अब तक ये ख़त्म होने को नहीं आ रही है। कांकरिया लेक के अंदर ना आपको भाई ऐसे टाइप का एक ट्रेन मिल जाएगा, जब आपको ट्रेन दिख रहा है ऐसे टाइप का ट्रेन मिल जाएगा, तो ये आपको पूरा कांकरिया लेक घुमा देगा। इसका प्राइस मुझे मालूम नहीं है, मैंने पूछा नहीं है, बट हाँ ऐसे टाइप का ट्रेन आपको पूरे के पूरा घुमा देगा। ये देखो ये ट्रेन जा रहा है, ये भी आपको कांकरिया लेक के अंदर ही मिल जाएगा, देख रहे हैं। ऐसा टाइप का बोटिंग हो रहा है कांकरिया लेक के अंदर, तो यहाँ पे आपको झूले वगैरह दिख जाएंगे, ये देख रहे हो झूले वगैरह, बड़े बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए जैसे भी झूले आप चाहो यहाँ पे आके ले सकते हो भाई। लेक के पास भाई आपको इस टाइप की शॉप्स मिल जाएंगी, ये देख लो। लेक के दूसरी तरफ, उस तरफ आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखने वाला, इस तरफ आपको शॉप्स वगैरह दिख जाएंगी। इस शॉप पर आप कुछ भी खा सकते हो, आपको नॉन वेज का तो मुझे मालूम नहीं, फास्ट फूड हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, पानी पूरी वगैरह ए टू जेड खाने का हर एक चीज़ में, खाना वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। और भाई सबसे मेन बात ये है, जो SBI का लोगो है वो भी इसी लेक से लिया गया है भाई। अगर आप सर्च कर लेना कांकरिया लेक, आपको ऊपर का व्यू दिख जाएगा, वहीं से SBI का व्यू भी, SBI का जो लोगो है वो भी यहीं से लिया गया है भाई। ये था कांकरिया लेक का नज़ारा जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे एक ज़ू भी है, अगर आप आना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। उसका फेयर यही है 50 रुपीज़ यहाँ पे आ सकते हो, तो 50 रुपीज़ का आपको टिकट मिलेगा उस ज़ू का। उस ज़ू में टाइगर लॉयन सब कुछ है जो आप देखना चाहो, चीता वगैरह। तो ये आप लास्ट टाइम देख लो, ऐसा कुछ नज़ारा है लेक का। तो लेक ख़त्म हो गया भाई, अब मेरा लेक का टूर तो ख़त्म हो गया। कैसा लगा आपको लेक का नज़ारा, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, मेरे 3 से 4 घंटे लग गए, और रेलवे स्टेशन से ये 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये और 10 पर खाने पे, मतलब 100 रुपीज़ में आप स्टेशन से यहाँ पे आके खा पी के मज़े से जा सकते हो। ऐसी ये जगह है, और ज़्यादा भी कुछ कॉस्टली नहीं है। अगर बोट में अगर आप लेना चाहो तो उसका फेयर है 150 रुपये बोट में, अगर घूमना चाहो ज़ू वगैरह में सब कुछ दिख रहा है, मतलब आई थिंक आपका 500 रुपये में अहमदाबाद स्टेशन से यहाँ पे पूरा सफ़र हो सकता है। अगर आप बोट वगैरह ना लो तो 100-150 में हो जाएगा। तो ऐसा है कुछ भाई पूरा का पूरा टूर। तो इसी के साथ अपना कांकरिया लेक का टूर हो गया ख़त्म, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ओके भाई, मिलते हैं आपको। वो देखो ऐसा बोट है जो ये वाला,